क्या आप जानते हो कि जब भी किसी इंसान के चारों ओर नेगेटिव एनर्जी कुछ ज्यादा ही फैल जाती है या उसको घेर लेती है तो उसका पता बड़ी ही आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि उस टाइम किसी इंसान के सोचने समझने और काम करने का पैटर्न ही पूरी तरह से बदल जाता है, जिसके आधार पर बहुत कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए आज पहले जानेंगे कि कैसे कोई इस नेगेटिव एनर्जी का पता लगा सकता है और फिर जानेंगे कि कैसे वह इस नेगेटिव एनर्जी को अपने से दूर कर सकता है। इसलिए अब अगर सबसे पहली पहचान की बात करें तो जब भी किसी को यह नेगेटिव एनर्जी घेरती है तो उसके मन में कुछ इस तरह के ख्याल आने लगते हैं कि वह अपने उन कामों में सफल नहीं होगा जिनको वह करना चाहता है, और उसको कोई भी रास्ता क्लियरली नहीं दिखाई देता है। और कई बार तो कुछ लोग इन सब का ब्लेम किसी दूसरे को भी देने लगते हैं कि कोई उनको उनके कामों में सफल नहीं होने देगा, जैसे किसी ने उन पर कोई जादू टोना आदि कर दिया हो। और साथ ही इस तरह की मानसिकता में वह कोई भी एक्शन अपने कामों को पूरा करने के लिए नहीं ले पाता है और वह बस सोचता ही रह जाता है, जिसमें वह सब कुछ सोच भी निगेटिव ही रहा होता है। और जब वह अपने कामों को सही से नहीं कर पाता है तो उसके गुस्से का लेवल कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और उसको उन सब चीजों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है जिन पर उसको गुस्सा करने की जरूरत भी नहीं थी। यही इस नेगेटिव एनर्जी की दूसरी पहचान होती है। इसलिए इस टाइम इंसान को केवल हर चीज पर कभी मतलब से तो कभी बेमतलब ही गुस्सा आ रहा होता है, और कई बार तो वह लाख खोजने के बाद भी गुस्से की असली वजह को सही से नहीं पहचान पाता है। इसलिए अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह आपके साथ किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी के कारण ही हो रहा है, जिसका शायद आपको पता भी नहीं होता है। और अब अगर अगली पहचान की बात करें तो आपको अचानक ही कुछ ऐसी चीजें अपनी लाइफ में देखने को मिलेगी कि लोग आपको कुछ ज्यादा ही नापसंद करने लगे हैं और हर कोई आपके कामों में या चीजों में कमियां निकालने लगे हैं, क्योंकि इस टाइम आप किसी तरह की निगेटिव एनर्जी के शिकार हैं और वही एनर्जी आपसे होकर उन तक पहुंच रही होती है जो भी आपके सामने होते हैं, या अगर भले ही वे आपके सामने ना भी हो तो भी केवल किसी के बारे में सोचने भर से ही आपकी नेगेटिव एनर्जी दूसरों को भी प्रभावित करने लगती है। भले ही वे आपसे कितनी दूरी पर क्यों ना हो, तभी तो आपको कभी कभी लगेगा कि कोई आपकी बुराई किसी और से कर रहा है, जबकि आपने तो उसको कुछ कहा भी नहीं है। इसलिए आपको बिल्कुल क्लियरली समझ जाना चाहिए कि ऐसा केवल और केवल उसी नेगेटिव एनर्जी के कारण हो रहा है जिसने आपको घेरा हुआ है। इसलिए अब अगर अगली पहचान की बात करें तो जब भी नेगेटिव एनर्जी किसी पर अटैक करती है तो सबसे पहले उसकी नींद को डिस्टर्ब करती है, और यह दो तरह से काम करती है। या तो ऐसे इंसान को बहुत ज्यादा नींद आने लगती है जिसमें बस उसका ध्यान हर तरह के जरूरी काम को भी टालते रहने का करता रहता है, या फिर दूसरे तरीके में किसी को पूरी रात नींद ही नहीं आती है चाहे वह नींद लाने की कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इसके लिए वह नेगेटिव एनर्जी जिम्मेवार है जो आपके आसपास इकट्ठा हो गई है। और अब अगर अगली पहचान की बात करें तो जब भी जरूरत से ज्यादा नेगेटिव एनर्जी किसी के चारों ओर इकट्ठी हो जाती है तो वह ऐसे इंसान की मानसिक व शारीरिक दोनों तरह की एनर्जी को पूरी तरह से खत्म कर देती है, और ऐसा इंसान ना तो किसी तरह के कोई डिसीजन ले पाता है और ना ही कोई शारीरिक कामों को करने में उत्सुकता दिखा पाता है। वह बस अपने आप को हर तरीके से हेल्पलेस ही महसूस करता जाता है। और अगर अगली पहचान की बात करें तो अगला बदलाव या नेगेटिव एनर्जी किसी के साथ यही करती है कि ऐसा इंसान किसी से भी बात तक करना पसंद नहीं करता है, और अगर वह कोई बात करना भी चाहे तो भी अपनी बातों को सही से किसी को समझा नहीं पाता है, और न ही वह किसी भी चीज पर पूरी तरह से फोकस कर पाता है। वह बस बेमतलब ही कभी मानसिक लेवल पर तो कभी शारीरिक लेवल पर इधर उधर भटकता ही रहता है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा करने के पीछे कोई खास वजह नहीं दिखाई देती है। इसलिए अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा ही होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी ने आपको घेरा हुआ है। इसलिए अब ये तो हुई नेगेटिव एनर्जी की पहचान, चलिए अब जानते हैं कि कैसे कोई इस नेगेटिव एनर्जी से अपना पीछा छुड़ा सकता है। तो उसके लिए जो सबसे आसान तरीका है वह है कुछ खास तरह का म्यूजिक सुनना, जिसमें कोई चाहे तो अपने फेवरेट गॉड का भजन आदि सुन सकता है या कोई सा भी म्यूजिक सुन सकता है जो उसके दिल को सुकून पहुंचाए, क्योंकि म्यूजिक में वो ताकत होती है जो कुछ ही देर में किसी भी इंसान की मानसिक स्थिति को सुधारना शुरू कर देती है। क्योंकि जो भी नेगेटिव एनर्जी उसके चारों ओर मौजूद होती है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा लो होती है, लेकिन किसी भी अच्छे म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, जिसके कारण इस म्यूजिक को सुनने वाले की एनर्जी भी जल्दी हाई हो जाती है और वह अपना पीछा हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से छुड़ा पाने में बड़ी ही आसानी से कामयाब हो जाता है। और अब अगर अगले तरीके की बात करें तो जब भी आपको लगे कि आपके अंदर या आसपास कुछ ज्यादा ही नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा हो रही है तो आपको ऐसी जगह पर कुछ देर के लिए चले जाना चाहिए जहां पर पूरी तरह से शांति हो और नेचुरल चीजें ही हो।
जैसे कोई भी पार्क आदि हो सकता है जहाँ पर बहुत से पेड़ पौधे हो, क्योंकि पेड़ पौधे जैसी नेचुरल चीजों में एक बात बहुत ज्यादा खास होती है कि उनके चारों ओर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है, और इसका फर्क आप कभी भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको बस किसी पेड़ के नीचे आराम से बैठ जाने की या कुछ देर सो जाने की जरूरत है, और तब आप पाओगे कि आपके अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी को यही पेड़ कुछ ही देर में सोख लेंगे। जैसा कि आपने एक कहानी तो पेड़ के बारे में सुनी होगी, जिसमें एक बच्चे की दोस्ती पेड़ से होती है, और जब भी वे दोनों एक साथ होते थे तो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश रहते थे। लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता गया तो उसने उस पेड़ के पास जाना ही छोड़ दिया और वह उदास रहने लगा। लेकिन फिर भी जब भी वह उस पेड़ के पास अपनी उदासी लेकर गया, उस पेड़ ने उसकी उदासी को दूर करने के लिए और उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने फल, लकड़ी, तने आदि सब कुछ खुशी खुशी दे दिया, ताकि वह बच्चा खुश रह सके। लेकिन इस कहानी से शिक्षाएं तो बहुत सी ली जा सकती है, लेकिन एनर्जी के रूप में हम आज इससे यही शिक्षा लेंगे कि जैसे उस पेड़ ने उस बच्चे की उदासी को दूर करने के लिए अपना सब कुछ दे दिया, ठीक वैसे ही ये पेड़ आज भी बिना कुछ मांगे वैसा ही करते हैं। आप एक बार इनकी एनर्जी फील्ड में जाकर तो देखो, आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी को आपसे जबरदस्ती ही ये छीन लेंगे और बदले में आपको पॉजिटिव एनर्जी दे देंगे। लेकिन अब हो सकता है कि आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर ऐसा है तो फिर किसान तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होने चाहिए थे, क्योंकि वे तो ज्यादातर पेड़ पौधों के बीच ही रहते हैं। लेकिन इस बात में भी एक कड़वा सच है, और वो यही है कि जो हकीकत में दिल से किसान है और खेती करना पसंद करते हैं, वे कभी भी निगेटिव नहीं रह सकते हैं। जबकि अगर आप किसी ऐसे किसान से पूछोगे जिसको किसान बनना ही नहीं था, तो वे आपको शायद बहुत से कारण गिनवा सकते हैं कि वे किसान तो बनना ही नहीं चाहते थे, वे तो कुछ और ही करना चाहते थे या अभी भी कुछ और ही करना चाहते हैं, वे तो बस मजबूरी में ही ये काम कर रहे हैं। और शायद अब आप इसके फर्क को समझ ही गए होंगे, क्योंकि जो लोग खेती तो छोड़िए केवल गार्डनिंग ही करते हैं, वे ज्यादातर पॉजिटिव ही रहते हैं, क्योंकि वे इन सब के जरिए अपनी पॉजिटिव एनर्जी को ही बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए अब अगर नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के अगले तरीके की बात करें, तो इसके लिए आप कोई भी ऐसा माइंडफुलनेस वाला मेडिटेशन कर सकते हैं जो आपके अंदर पैदा होने वाले नेगेटिव विचारों को दूर कर सके, और साथ ही आपके मंकी माइंड को शांत कर सके, जो कि हर टाइम विचारों के कारण इधर उधर भटकता ही रहता है। और अब अगर सबसे आसान तरीके की बात करें, जो कि किसी भी तरह की निगेटिव एनर्जी को कुछ ही देर में दूर कर सकता है, तो उसके लिए आप पानी का यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको पानी में या तो नहाना होता है या पानी को पीना होता है। क्योंकि अगर आप ताजे पानी से कुछ देर तक नहाते ही जाते हैं, तो आप पाएंगे कि कुछ ही देर में आपके शरीर के चारों ओर इकट्ठा नेगेटिव एनर्जी भी पानी के साथ ही बह जाती है। या आप आज तक का अपनाया जाने वाला सबसे पुराना तरीका अपना सकते हैं, जिसमें किसी धूप बत्ती, अगरबत्ती आदि को घर में जलाया जाता है और उसके साथ ही एक विचार को भी जोड़ा जाता है कि इसके धुएं से सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी और बुरी एनर्जी आपके घर से और घर में रहने वाले लोगों से दूर चली जाएगी। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए, तो अब शायद आप खुद ही इस नेगेटिव एनर्जी के अटैक से होने वाले कामों को देखकर पहचान ही जाओगे कि कोई नेगेटिव चीज आपके साथ क्यों हो रही है, और साथ ही आप इसको बड़ी आसानी से अपने से दूर भी कर लोगे। इसलिए अब आपको क्या करना है, आप काफी समझदार हैं।